माशाल्लाह मेरे तीन मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया का जब विसाल बरेली शरीफ में हुआ तो दो दिन के अंदर बरेली शरीफ में इतने लोग जमा हो गए कि पैर रखने की जगह नहीं थी, मीडिया दंग थी, प्रशासन परेशान था। प्रशासन ने असद मियां को फोन किया और शेर का बेटा शेर होता है कि हजरत मजमा बरेली में बहुत है, हम लोग संभाल नहीं पा रहे। तो शेर के बेटे ने जवाब दिया, अरे आपको संभालने की कोई जरूरत नहीं है, जिनका जनाजा है वो खुद ही लोगों को संभाल लेंगे। इसलिए शेर बताऊं, जो लोग ताजुशरिया की मोहब्बत करते हैं कंजूसी मत कीजिए, हाथ लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और शेर सुने कि जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जो करबला से मिला था सबक वो पढ़ा के गए। रुखे नबी की जियारत का शौक था कितना, हुजूर ताजुशरिया वजू बना के गए। मेरे भाई अलीम रजा कह रहे हैं दोबारा शेर पढ़ दीजिए, आप लोगों की शहादत है तो कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं, मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जो करबला से मिला था सबक वो पढ़ा के गए। रुखे नबी की जियारत का शौक था कितना, हुजूर ताजुशरिया वजू बना के गए, हुजूर ताजुशरिया वजू बना के गए। और एक शेर और, हक है वो रजा का खान, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है गौहर, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है गौहर, है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है, है कैसी शख्सियत। इसीलिए हम लोग कहते हैं बरेली में इतने लोग थे, हम लोग कहते हैं हम बरेलवी हैं, और बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। कमजोरी मत दिखाइए, पूरा मनमा हाथ लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता फव्वारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया ताजुशरिया के जनाजे से, जहां पर चांद रहता है वहीं तारे भी रहते हैं, जहां पर चांद रहता है। पर है, आप तशरीफ रखें और बैठ जाएं, खामोशी के जो लोग खड़े हैं वो बैठने की कोशिश करें। उलमाए इकराम मिंबर नूर पर आ रहे हैं, इतने उलमाए इकराम हैं, ऐसी अजीम शख्सियतें हैं, वही सूफी मोइन साहब का मिला कदीरी खानकाए जाजिया रामपुर, और वही हजरत मौलाना शादाब साहब का मिला, और नसीम मदरसा जियाउल भी मौजूद हैं, जिनसे मस्जिद के मुसल्ले का वकार बाकी है। इनमें वो भी मौजूद हैं जिन्हें रब्बे करीम ने शाखा तुबा पे चहकने की तौफीक बख्शी है। इनमें वो भी मौजूद हैं जिनके से खानकाहों का तकद्दुस महफूज है। इनमें वो भी मौजूद हैं जिनके बारगाह अदम में अदब की आदाब किया करता है। ये अजीम उलमा इकराम यहाँ पर है, इनके चेहरे की ज़ियारत कर लें और एक शेर सुन लें और मोहब्बतों के साथ हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अरे आपको कमजोरी नहीं दिखाना है, दिल बीमार हो, तंदरुस्ती घेर गया हो, कोई मुसीबत आ गई हो, तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे पे मत जाना, नबी के जलसे में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी। और इसीलिए ये नौजवान हो मोहब्बत से सुनो, वरना मैं पूरे मुल्क में कहता हूँ है बड़े बिगड़े हुए हालात, इंटरनेट पर बात, इंटरनेट पर अगर मोबाइल ही चलाने का अगर कुछ शौक है तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर, तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर, और नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया, नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। और ये शेर खुसूस नौजवानों के लिए है कि ये 3G, ये 3G और 2G, 4G अपनी जगह, ये 3G और 2G, 4G अपनी जगह, देवा कलियर और किछोचा का घर अपनी जगह, ये 3G और 2G, 4G अपनी जगह, देवा कलियर और किछोचा का गली अपनी जगह, देखकर साइंस बाजा की खिलामन पर उठी, है मुसल्लम हजरते हिंदल वली अपनी जगह, है मुसल्लम हजरते हिंदल वली अपनी जगह। इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दिलीज पर हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा याकूब रजा साहब अगला ऐसी शख्सियत है, ये 10 मिनट की तकरीर को चाहे तो 1 घंटे में फैला दे, और 1 घंटे की तकरीर को चाहे तो 10 मिनट में समेट दे। वो अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही है, आप उनके इस्तकबाल कर ले और बुलंद आवाज से नारा लगा ले, नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत तालीमाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सरजमीने नगरिया की, नारे के बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है
पैसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं घर जब तक न पहुंचूं मेरी माँ सजदे में रहती है।